हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी डी फैशन होम आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिजाइनर मोहरी बताने वाले हैं जिसके लिए हमने ये पट्टियाँ कट की हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे सलवार का कपड़ा है वो हमारा ग्रीन कलर का है, तो ये पट्टी हमने 2.5 इंच की कट की है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और लेंथ अपने मोहरी के हिसाब से रखें जितना आप पहनना चाहते हैं। ये हमने 16 इंच रखी है, तो 2.5 इंच का ही हमने इसी नाप से बुकरम कट किया है। और जो हम डिजाइन देंगे ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है, तो ये हमने 3 इंच का कट किया है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच कट की है और लेंथ इन तीनों की हमने बराबर कट की है। और एक पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी कट की है, जो हमारी सलवार का कपड़ा है उसी में से। देखिए, ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी इसकी कट कर लेंगे और वो हम काफ़ी लंबी कट करेंगे जिससे इसमें डिजाइन देंगे। सबसे पहले इस तरीके से हम इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, दोनों पीस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अच्छे से सेट करके इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम पूरे में लगाएंगे। और इसी तरीके से एक सिलाई हम इधर लगा लेंगे इसके ऊपर। बड़ी पट्टी तैयार कर ली है, सेम इसी तरीके से इसे सिला है हमने। अब इसके बाद में इस मोहरी को सिलना बताएंगे, इसके ऊपर किस तरीके से इसमें डिजाइन देंगे वो बताएंगे। अभी देखिए, दोनों पट्टियों को हमें एक साथ मिलाकर इस तरीके से रखना है, बिल्कुल बराबर में। ये हमने 1/2 इंच चौड़ी लिया क्योंकि इसमें से हमें पाइपिंग निकालनी है। और इसके बाद इसके ऊपर बुकरम को रख लेंगे। अब देखिए, तीनों के साथ एक साथ सिलाई लगानी है। बुकरम पे बिल्कुल जरा सा चढ़ा के लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का बुकरम के ऊपर लेंगे। और तीनों कपड़ों को एक साथ सिलेंगे, बुकरम को भी और दोनों पट्टियों को। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई पट्टी नीचे दब के ना रह जाए। और इसके बाद इस तरीके से इसे पलटेंगे। गोल्डन कलर है हमारा, इसे अंदर की तरफ लेंगे और इसमें से हल्की सी पाइपिंग निकाल लेंगे। इस तरीके से पूरी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद देखिए, जो हमने ये दूसरी बड़ी पट्टी बनाई है इस कलर की, इस पर हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। 2-2 इंच पर करें या फिर 2-2 उंगल के हिसाब से करें। ये देखिए, इस तरीके से हम 2-2 उंगलियां रखेंगे और इस तरीके से मार्क करेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी पट्टी पर निशान लगाने हैं। इसी तरीके से हम ये पूरे पर डिजाइन लगा के निशान लगा के तैयार कर लेंगे। अभी देखिए, इसके बाद में हमें यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से रखना है और ये जो हमारा निशान है यहाँ से हमें इस तरीके से ये फोल्ड करने हैं। इस पट्टी के ऊपर इस तरीके से जरा सा नीचे गैप देके तब फोल्ड करेंगे।
देखिए ये निशान है, हमें इसी तरीके से यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर से हमें इस तरीके से ये फोल्ड करते हुए चलना है। ये हम अपने हर निशान के ऊपर और इस तरीके से धागे को हल्का ढीला करके और इसके ही ऊपर सिलाई लगानी है, पूरे में सिलाई नहीं लगानी है। फिर से इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, धागे को हर बार इस तरीके से ढीला करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरी बार में हम इधर सिलाई लगाएंगे, जिस तरीके से हम इस वाली मोहरी को बना रहे हैं इसी तरीके से हम दूसरी वाली मोहरी को बना के तैयार करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए इसी तरीके से इसे हमें तैयार करना है। इसी तरीके से हम इधर सिलाई लगाएंगे, इसी तरीके से इसके पूरे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अभी देखिए इस तरीके से हमें धागे को कट कर लेना है, जो हमने बीच बीच में धागा मशीन को उठा के लिया है। दोनों तरफ से अच्छे से धागे को कट करेंगे। अभी देखिए हमने पूरा कट कर लिया धागा, उसके बाद में हमें इसके अंदर इस स्ट्रिप को डालना है। तो एक को उठा करके एक को दबाएंगे, इस तरीके से डालेंगे। इनको निकाल देंगे, देखिए इस तरीके से इसमें हमने पूरे में डाल दिया है। उसके बाद हमने एक और पट्टी 1.5 इंच चौड़ी कट की है। ये देखिए दो पट्टियाँ ये दोनों के लिए हमने कट की हैं, दोनों मोहरी पर ये जो लगाएंगे, ऊपर भी पाइपिंग लगानी है हमें इसी तरीके से। और उसके बाद में देखिए हमने दोनों मोहरियों को इसी तरीके से तैयार कर लिया है। इस तरीके से इसका डिजाइन आया है। अब इसको सलवार में अटैच करना बताएंगे। अभी देखिए सबसे पहले इस पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और उसके बाद में इस मोहरी को उठा करके हमें इस तरीके से रखना है। इसको एक साथ रखेंगे मिला करके। और ये जो हमारी सिलाई आई हुई है इससे थोड़ा हटा के लेंगे, क्योंकि ये सिलाई हमारी ये है जो स्ट्रिप दबाई है हमने उसकी सिलाई है, तो इससे हमें हटा के लेनी है ये और अच्छे से पाइपिंग को सेट करके रखना है। इसी तरीके से ये हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तरीके से इसकी पाइपिंग आई है और इसके ऊपर हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे।
अभी देखिए जिस तरीके से ये हमने मोहरी तैयार की है, इसी तरीके से हम इस दूसरे वाले को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अभी देखिए दोनों मोहरी लगा के हमने ज्वाइंट कर ली है। फिटिंग आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकती हैं, जितना आप पहनना चाहती हैं। इस तरीके से हमारी मोहरी का डिजाइन आया है बन करके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।